काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में फ्लेवर ऑफ द यूएई के नाम से आज तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसमें यूएई के सकाफती को जो है वो दिखाया गया है। अगर आप मेरे आकब में देखें तो यहाँ पर दुबई के की जो है अक्कासी करता खेमा बनाया गया है, जो अक्सर हमें अरब ममालिक में ही दिखते हैं। और जब यहाँ पर मेहमान आए गए तो बिल्कुल सकाफती अंदाज में उनको सवा खजूर पेश की गई और बखूर को दहकाया गया। बखूर की खुशबू इस पूरी महफिल में महकती रही। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है दुबई का सकाफती रक्स भी पेश किया गया, जिसमें ना कि सिर्फ दुबई के बाशिंदों ने बल्कि पाकिस्तान यानी कि कराची वालों ने भी उनके साथ मिलकर यहाँ पर रक्स किया, इस महफिल को इंजॉय किया, यहाँ के दुबई के जो खाने हैं उसको इंजॉय किया। इसी हवाले से दुबई कौंसल जनरल बकीत अतीक ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करके ये बताया कि अब तक जो इवेंट्स थे वो एक कौंसलेट की हद तक ही महदूद थे, लेकिन नई नस्ल को ये बताना है कि अरब कंट्रीज़ का कल्चर क्या होता है, इसीलिए वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा बने, जहां पर उन्होंने अपने सकाफत के तमाम रंग आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बिखेर दिए, जिसे शुरका समेत सभी ने खूब इंजॉय किया। देखो आज हम लोगों ने अपना पाकिस्तान आर्ट कौंसल करेंसी मिल के और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिल के हम लोगों को अपना यूएई का जो सकाफत और रवायत, इनकी मेहमान नवाज का, इनकी खेमों का, इनकी खाना पीने का, जो इमाराती फूड है ना, जो स्पेशली वो स्वीट सवा है, वो खाने हैं, सर आज लाए अपना बहन भाइयों के लिए, इनको दिखाने के लिए और उनको लज्जत का जो शौक खाने का उनको ज़रूर वो टेस्ट कर ले। देखो बखूर एक और गहवा और खजूर हम लोग का एक ट्रेडिशनल मेहमान को खुशी से वेलकम कर लेते हैं और ये हम लोग का एक ज़रूरी एक हिस्सा हम लोग का ट्रेडिशनल में। और बाज़ का लोग सबको पता दे इनमें मतलब गल्फ ममालिक में खासतौर पर यूएई का जो सकाफत है, बाज़ भी ज़रूर खेमे का साथ टच है, वो भी साथ ले आया और अरबिक जो फोल्क्लोर है, जो मज़े का इनके रक्स और फन है, वो भी लाया आप लोग के लिए।